हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2022 का अलजेब्रा का मैक्सिमा मिनिमा का और अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 5x² / 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाई x^5, जिसमें एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, और ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसका मिनिमम वैल्यू 14 है, तो अल्फा का वैल्यू बताना है। तो बच्चों, इस मैथ क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड आपको सीख लेना है, क्योंकि एग्जाम में किस समय में कौन सा मेथड यूजफुल है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट मेथड हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को लगाएंगे, क्योंकि फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, है ना, जो हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड होता है कैलकुलस में। तो एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे और उसका डेरिवेटिव को 0 करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे इस पूरे फंक्शन का, तो 5/2 x² यानी 5/2 × 2x, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेरिवेटिव में इधर आ जाएगा 5x। और यहाँ पर मैं जब अल्फा कांस्टेंट है ना, अल्फा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पर मैं आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे -5 α(x⁻⁶ = 0, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पर मैं, तो जब इसको हम लोग 5 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर मैं आ जाएगा x−α(x⁶ = 0। यहाँ से जो आपका x आ जाएगा, यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से आपके पास में आएगा 5 × x⁷ − α = 0। और जब यहाँ से x का वैल्यू आप लिखोगे, तो x = आ जाएगा α^1/7, x = α^1/7। अब ये α^1/7, इस पर डेफिनेटली क्या होगा, मिनिमा होगा। चाहे तो आप साइन स्कीम भी चेक कर सकते हो, है ना, α^1/7। आप साइन स्कीम में भी चेक करोगे, क्वेश्चन में मिनिमा बोल रहा है, दैट मींस डेफिनेटली मिनिमा होगा, तो आपको ये चेक करने का जरूरत नहीं है। जब इसको साइन स्कीम चेक करेंगे यहाँ पर मैं, तो एक्स माइनस यानी इधर का साइन होगा पॉजिटिव और इधर का साइन होगा नेगेटिव। तो जब डेरिवेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, यानी पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो आप बिना चेक किए इसको, जब क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमा है, तो एक्स का जो भी वैल्यू आएगा उस पर मिनिमा होगा, यानी α^1/7 पर क्या होगा, मिनिमा होगा इस फंक्शन का। तो एफ मिनिमम, अगर हम लोग एफ मिनिमम कैलकुलेट करें, तो एफ मिनिमम कितना हो जाएगा यहाँ पर में, हो जाएगा आपको 5/2 x² यानी α^2/7 प्लस α/α^5/7। और ये मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है, 14 के बराबर है बच्चों। तो यहाँ पर मैं देखो, ये α^5/7 ऊपर जाएगा तो 2/7 बनेगा, ये α^2/7, तो α^2/7 कॉमन आके 5/2 + 1, यानी आपको हो जाएगा 7/2 = 14। अब यहां से देखो, ये 7 और ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, यानी α^2/2/7 = 2, ये डिनोमिनेटर का 2 इधर मल्टीप्लाई होके 4, तो अल्फा इक्वल टू इफेक्टिवली बन गया 4^7/2, यानी α = 2^7, और ये आपको आंसर दे देगा 128। यानी ट्रेडिशनल मेथड से, मैक्सिमा मिनिमा से, जो अल्फा का आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 128, ठीक है ना। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम लोग लगाएंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा मेथड को भी जरूर आप देखिए, बहुत ही इजी रहेगा, इससे थोड़ा सा इजी रहेगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं, सेकंड मेथड, आपको एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर मैं 5/2 x² 5/2 x²
प्लस अल्फा डिवाइड बाई एक्स पावर फाइव, अल्फा डिवाइड बाई एक्स पावर फाइव है ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक किया जाए, अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 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 एक्स स्क्वायर बाई टू, कितना बार लिखा, 5 बार है ना। प्लस इसको अपन लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं अल्फा बाई टू एक्स पावर फाइव प्लस अल्फा बाई टू एक्स पावर फाइव। अब ऐसा इसलिए लिखा, जब ये सारे नंबर में एम जी एम लगाएंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर्स का एम जी एम, और सातों नंबर क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है, और अल्फा का जो आंसर दिया हुआ है चारों ऑप्शन में वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये वाला क्वांटिटी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव। तो 7 नंबर में अगर ए एम जी एम लगाएंगे, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है ना। कितने नंबर्स के लगाना है, 7 नंबर्स के लिए आपको, 7 नंबर्स के लिए आपको लगाना है, 7 नंबर्स लगाने पे इसका डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 7 डिवाइड बाई 7, और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर में क्या हो जाएगा, 7th रूट हो जाएगा, 7th रूट होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में एक्स का पावर कितना होगा, 10, और डिनोमेटर में भी एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 5, दोनों मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 10। तो एक्स एक्स वाला टर्म कैंसिल होगा, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से ब्रेक किया हुआ है। इस तरह से ब्रेक करने का लॉजिक ही है, क्योंकि इस तरह से जब ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म डिनोमेटर से और डिनोमेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ऊपर में बचेगा अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी 2 पावर। अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। और इसका मिनिमम दिया हुआ है, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। यानी ये जो पूरा फंक्शन है इफेक्टिवली यही वाला पार्ट है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 सॉरी 14 दिया हुआ है। तो इक्वलिटी लगा देंगे, यानी 14/7 इक्वल टू यहाँ पर में आ जाएगा अल्फा टू दी पावर 2/7 डिवाइड बाई 2/7, और ये 7th रूट है, तो यहाँ कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पर में भी कितना आ गया, 2। तो इफेक्टिवली वही इक्वेशन हमको यहाँ भी मिल गया, अल्फा टू दी पावर 2/7 इक्वल टू 4, तो अगेन अल्फा इक्वल टू आपको कितना आंसर हो जाएगा, 128। तो बेसिकली इक्वलिटी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मिनिमम आपको दिया हुआ है, और मिनिमम वैल्यू किस पर एग्जिस्ट करेगा, इक्वलिटी पर एग्जिस्ट करेगा।